बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी के बिजनौर जिला अध्यक्ष ने आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला व प्रदेश स्तर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में उतारने की जानकारी दी। वहीं बिजनौर में पार्टी के नेतृत्व को मजबूती देने के लिए कई युवाओं को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें पदभार देकर पार्टी को और मजबूत बनाने, निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाने व ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का आह्वान किया। प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, यकीनन मजलूमों का साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ असमत रेजी, बलात्कारी, डकैती, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को गौ रक्षा के नाम पर, गौ माता के नाम पर उनको मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर, बाबरी मस्जिद के शहादत के मलबे पर जिस पार्टी की बुनियाद रखी गई हो, वो कभी मुसलमानों का मसीहा नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव पिछली बार सरकार में रहे, उन्होंने मुसलमानों के साथ कहा क्या विकास किया, क्या विकास किया? लैपटॉप बांटे, कोई विकास नहीं। रिक्शा बांटे, कोई विकास नहीं। हमने उससे कहा था 18% आरक्षण लागू कर दो, हमारा विकास हो जाएगा। उसने 18% आरक्षण नहीं लागू किया। यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही थी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, कि मुलायम सिंह यादव तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा।